हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास सिक्स का मैथ है, एनसीईआरटी मैथ क्लास सिक्स चैप्टर फाइव, और एक्सरसाइज है 5.5 ये है, और इसको आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो एक्चुअली इसमें स्पेशली कुछ बनाने के लिए नहीं दिया हुआ है, लेकिन समझना काफ़ी ज़रूरी है। विशेष रूप से बनाना कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको समझना है। तो फर्स्ट नंबर में यहाँ क्या दे रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स। तो इसमें से जो बतलाया गया है ए बी सी डी, चार क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा परपेंडिकुलर मॉडल में है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानना होगा परपेंडिकुलर होता क्या है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, ये कोई भी लाइन है और उसमें एक लाइन जो है बाइसेक्ट करता है, बिल्कुल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ये सीधी लाइन रहेगा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, इसको जो है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ चारों जगह में 90 डिग्री बनेगा। तो इस तरह का जो लाइन कहीं पे बनता है तो वह परपेंडिकुलर लाइन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा जो बतला रहा है, इसमें कौन सा होगा इस तरह का फिगर में, द एडजेसेंट एज ऑफ ए टेबल टॉप। टेबल टॉप का एडजेसेंट एज जो होता है, क्या वो परपेंडिकुलर की स्थिति में होता है, उस मॉडल में होता है? तो होता है, क्यों? क्योंकि इस तरह का लाइन सीधा लाइन रहता है टेबल का, और इस तरह का भी लाइन रहता है। तो इस लाइन को अगर हम आगे ले जाते हैं और इस लाइन को आगे ले जाते हैं, तो इस तरह से ये बाइसेक्ट करेगा और ये परपेंडिकुलर स्थिति में होता है, मतलब उसका कोना जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, एस लिख देते हैं। द लाइन्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक का लाइन जो होता है, पटरी जो होता है, वो परपेंडिकुलर मॉडल में होता है या नहीं होता है? तो ये नहीं होता है, क्यों? क्योंकि रेलवे ट्रैक जो होता है वो इस तरह से होता है और इस तरह से होता है, ये पैरेलल होगा, एक दूसरे के साथ साथ चलता रहता है, ये आपस में मिलता नहीं है, तो इसीलिए ये पैरेलल हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये नो हो जाएगा, नो हो गया। द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल, तो एल लेटर में परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर पता चल ही रहा है, इस तरह से एल इस तरह से सीधा लिखा जाता है ये। तो इस लाइन को अगर हम इस तरह से लेते हैं और इस लाइन को अगर इस तरह से लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर मॉडल में आ जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये S होगा, तो यहाँ पे S लिख देते हैं, ये हो गया। उसके बाद D, द लेटर भी, ये लेटर भी जो है क्या परपेंडिकुलर स्थिति में है? तो नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इस तरह से सटा हुआ रहता है, अगर हम इसको आगे ले जाते हैं और इसको आगे ले जाते हैं, तो ये 90 डिग्री का नहीं बनता, तो इसीलिए ये नो हो जाएगा, तो इसको नो लिख देते हैं, ये हो गया कंप्लीट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर टू में क्या कर रहा है, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। पी क्यू जो है एक्स वाई लाइन पे परपेंडिकुलर के रूप में है, लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट, और परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, इस तरह से काट रहा है, इन द पॉइंट ए, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। तो ए का वैल्यू यहाँ पे बीच वाला जो होता है उसको मांगता है कि ये एंगल जो है इसका क्या मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा फिगर बना के दिखा देता हूँ, एक रफ पेज में ये एक लाइन ले लेता है, यहाँ पे लाइन ले लिया एक्स वाई, ये एक्स है, एक्स वाई नाम दे देते हैं इसका, और यहाँ पे पी क्यू जो है इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये सीधा लाइन इस पर पी क्यू, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया इस तरह से। अब जो है जिस पॉइंट पे ये काटता है उस पॉइंट को ए नाम दिया गया, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ए, ये दे दिया। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। तो इस तरह का फिगर बना हुआ है, उसमें पी ए वाई ए का एंगल क्या होगा, पी ए वाई इसमें पूछ रहा है। तो यहाँ सभी यहाँ पे जो एंगल्स बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, तो ए का मेजर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये पता चल गया किस तरह से 90 डिग्री आया। तो आपको यहाँ पे नॉर्मली आंसर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिगर जानना है ये किस तरह से बतला रहा है, इसलिए मैंने आपको फिगर बना के दिखाया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, देर आर टू सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स। कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रहता है उसमें दो सेट स्क्वायर्स, उसमें दो ट्रायंगल बना हुआ रहता है, दिया हुआ रहता है उसमें, तो वो जो सेट स्क्वायर होता है
उसका एंगल का मेजरमेंट पूछ रहा है कि वो कितने कितने डिग्री का होता है। डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन, क्या आप उन दोनों का एंगल जब मापते हैं तो उसमें से कोई एंगल कॉमन मिलता है, मतलब एक जैसा है उन दोनों में। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो सेट स्क्वायर होता है, फिलहाल मेरे पास तो नहीं है लेकिन मैं उसका पिक्चर बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक इस तरह से होता है, ये इस तरह से हो गया, ये हो गया, ये होता है यहाँ पे, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये दोनों एंगल जो होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे ये और ये होता है 45 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री, ये इस तरह से। तो एक सेट स्क्वायर जो होगा वो इस तरह से तीन एंगल हो जाएगा और दूसरा जो होता है वो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री और यहाँ पे ये 60 डिग्री रहता है और ये हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे तीनों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आना चाहिए, तो समझेंगे कि सही है। तो ये 90 हो गया और 45 45 90 होता है, तो 90 90 180 डिग्री और यहाँ पे ये 90 हो गया और 639 मतलब 90 और 90 तो 180 डिग्री। इस तरह से दो सेट स्क्वायर होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ये दोनों तो 45 45 है और यहाँ पे 30 60 ये मैच नहीं कर रहा है, तो 90 डिग्री और ये 90 डिग्री ये दोनों मैच कर रहा है, मतलब ये दोनों कॉमन है। इन दोनों सेट स्क्वायर में 90 डिग्री कॉमन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं थ्री नंबर में, वन सेट स्क्वायर हैज़ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल्स। उसके बाद अदर में हो गया, अदर सेट स्क्वायर हैज़ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंगल्स। इसमें ये तीन हो गया और इसमें ये तीन हो गया, 90 डिग्री ये कॉमन हो गया, इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉमन एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और यही आंसर होगा। तो ये हो गया, इस तरह से हम इसको लिखकर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक पिक्चर बना हुआ है, यहाँ पे स्टडी द डायग्राम, ये डायग्राम जो है इसको स्टडी करने के लिए कह रहा है। द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, एल जो है एल तो एम पे परपेंडिकुलर है, एम को इस तरह से रखते हैं तो ये इस पे परपेंडिकुलर है या इस पे ये परपेंडिकुलर है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे इस लाइन को स्टडी करते हुए यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इज सी ई इक्वल टू ई जी, क्या सी ई ई जी के बराबर है, तो कहाँ है सी, ये सी है और ये ई है, 1 2 ये हो गया और फिर ई जी, ई से जी, 1 2 तो बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि सी से ये 2 यूनिट चल रहा है, 1 2 दो यूनिट चला और फिर ई से यहाँ पे 1 2 दो यूनिट चल रहा है, दोनों में दो यूनिट चल रहा है, इसका मतलब है कि ये बराबर इक्वल है, तो ये हो जाएगा यस। उसके बाद यहाँ पे बी नंबर में क्या दिया हुआ है, डज पी ई बाइसेक्ट सी जी, क्या पी ई सी जी को बाइसेक्ट मतलब काट रहा है, तो पी ई कहाँ पी है, पी है और ये ई है, मतलब इस लाइन की बात कर रहा है, कौन काट रहा है, सी जी, सी जी तो काट रहा है यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ काट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यस होगा, यस ये हो गया। उसके बाद सी नंबर में आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पी ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पी ई पर कोई लाइन, दो लाइन सेगमेंट बतलाना है जो पी ई को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट परपेंडिकुलर के रूप में काट रहा है। तो पी ई जो है ये पी ई मतलब इस लाइन की बात कर रहा है, ये कौन सा लाइन काट रहा है, तो ये एल लाइन काट रहा है लेकिन लाइन सेगमेंट पूछ रहा है। यहाँ पे पी ई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कई लाइन सेगमेंट हो सकते हैं, ये पी ई दिया हुआ है तो हम उसका लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं, डी एफ लिख सकते हैं, सी जी लिख सकते हैं, बी एच लिख सकते हैं, ए एच लिख सकते हैं, इस तरह से कई सारा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लिख सकते हैं बी एच बी एच, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया और दो लाइन सेगमेंट मांग रहा है तो एक और ले लेते हैं, सी एफ लिख देते हैं, सी एफ ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। इस तरह से
बी एच और सी एफ लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें और भी आंसर हो सकता है, तो इसको लिखने से भी गलत नहीं होगा, ये दो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे डी नंबर में पूछ रहा है आर दिस ट्रू, क्या ये सही है, यहाँ पे ट्रू पूछ रहा है। तो ए सी ग्रेटर देन एफ जी, ए सी बड़ा है एफ जी से, ए सी कहाँ है, ए यहाँ है और सी यहाँ है, तो ए से सी दो यूनिट है, 1 2, और एफ जी, एफ जी, एफ जी जो है वो एक यूनिट है। इसका मतलब है कि एफ जी छोटा है, और यहाँ पे छोटा ही बतला रहा है, एफ जी छोटा है ए सी से, मतलब ए सी बड़ा है, मतलब ये सही बोल रहा है, तो ये ट्रू लिख देते हैं, हो गया। उसके बाद सी डी इक्वल टू जी एच, सी डी, सी डी एक यूनिट है और जी एच एक यूनिट है, मतलब सही है, इक्वल बतला रहा है, तो यहाँ एक यूनिट और यहाँ भी एक यूनिट, मतलब इक्वल है, तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद थ्री नंबर में बी सी लेस देन ई एच, मतलब बी सी छोटा है ई एच से, बी सी कहाँ है, यहाँ है, बी सी एक यूनिट हो गया और ई एच यहाँ से 1 2 3, ये 3 यूनिट है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पे बी सी छोटा ही बतला रहा है, ई एच बड़ा बतला रहा है, मतलब ये ट्रू है, तो ये तीनों ही ट्रू है यहाँ पे। इस तरह से बेसिकली इसको विशेष बनाना नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 5.5 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह का और वीडियो, अदर सब्जेक्ट का वीडियो हमारे इस चैनल में आते रहता है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।